जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो बताती हूँ। अगर जीवन में आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, जो आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत या परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मुझसे छोटे छोटे उपाय के द्वारा अपने ग्रहों की स्थिति को सुधार सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए जून का महीना क्या खास लेकर आया है। मकर राशि वालों के लिए देखिए, आपको अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम इस मंथ में मिलने वाले हैं, क्योंकि जून के महीने में शनि की स्थिति के कारण धन के प्रवाह में आपको कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही में इस मंथ अगर मैं बोलूं, देव गुरु बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे घर में बैठे हैं, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा धन जमा ना कर पाए, आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और संभावना ये भी है कि किसी यात्रा के दौरान आपसे पैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में स्थित होंगे। चौथे भाव में राहु की उपस्थिति होने से परिवार से जुड़े खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही आपकी सुख सुविधाओं में भी कमी देखने को मिल सकती है। सेहत से संबंधित खर्चे आपके लिए इस मंथ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग के ऊपर आपका धन इस मंथ में खर्च होते हुए दिख रहा है, जो आपकी चिंता का विषय बन सकता है। आप लोगों के लिए इस मंथ के दौरान अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करने जैसी भावनाएं आपके दिमाग में आ सकती हैं। आपके दूसरे भाव में शनि विराजमान होंगे, जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए आपको प्रेरित तो करेंगे, लेकिन इसी समय के दौरान ये आपके लिए पैसा कमाना बेहद मुश्किल भी बना देंगे। केतु देव के दसवें भाव में स्थित होने से आप हर काम को तार्किक होकर कर लेंगे। इस वजह से मैं बोलूँ, आपके करियर में आपको विदेश जाने के अवसर भी मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलिए, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ मत बोलिए। अननेसेसरी का बोलना, आगे से आगे सजेशन देना आपके लिए चीज़ों को ख़राब बना सकता है, और ऐसा भी संभव होगा कि बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपके तीसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में होने की वजह से दसवें भाव के स्वामी के तौर पर शुक्र की सातवें भाव में मौजूदगी की वजह से आपको करियर के क्षेत्र में संतुष्टि की प्राप्ति होते हुए दिख रही है। तो इस मंथ के दौरान अनुकूल स्थिति आपके लिए बनी हुई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। खर्चे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए, लेकिन अपने कार्य करते रहिए। आप लोगों को ज़्यादातर समय अपने करियर के सिलसिले में होने वाली यात्राओं पर बिताते हुए दिख रहा है, और ये यात्राएं किसी असाइनमेंट को लेकर करनी पड़ सकती हैं, किसी डील को क्रैक करने की वजह से आपको ये ट्रैवल करना पड़ सकता है। आप लोगों का अगर अपना बिजनेस है तो आप लोगों के लिए परिणाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ वाले नहीं बने हुए हैं, क्योंकि इस दौरान आपके प्रतिद्वंद्वी आपको कड़ी टक्कर देने की संभावना में दिख रहे हैं। हालाँकि मंथ के एंड तक बिजनेस में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है, मतलब जो बेनिफिट आपको मैं बोलूं 22 तारीख तक नहीं हुआ, 22 जून के बाद चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आपको व्यापार में नीतियों में मतलब अपनी बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप जिस तरह भी प्लानिंग करके काम करते हैं, आपकी जो भी स्ट्रेटजी अब तक रही है, तो ओवरऑल बोलूँ वो स्ट्रेटजी आपके अब काम नहीं आएगी, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव की ज़रूरत है। आपको अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग में ध्यान देना पड़ेगा। शनि आपके दूसरे भाव में मौजूद होंगे, और इस वजह से आपको मुनाफा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, तो आपकी अर्निंग का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा बाधित होते हुए दिख रहा है, कमाई आपकी कम हो सकती है, तो ऐसे में बचत
करना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस मंथ देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आप लोगों के खर्चों में अचानक से वृद्धि हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए, कई बार आप लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करना भी आपको लगेगा कि मुश्किल हो रहा है, मतलब दूसरों की ज़रूरतें तो आप पूरी कर पा रहे हैं लेकिन आप अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको धन घर के कामों में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। राहु देव बृहस्पति के साथ चौथे भाव में होंगे, जिस वजह से अप्रत्याशित आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो घबराइएगा मत इन खर्चों से, बस इतना कहूँगी। लेकिन जो ज़रूरी खर्चे हैं वही करिएगा, लग्जरी को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। और आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के बड़े फैसलों को लेने से बचें। कोई भी बड़ा न्यू इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में मत करिएगा, नहीं तो आपको गेंस नहीं लॉस हो सकते हैं, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों का अपना व्यापार अगर है, फिर से बोल रही हूँ, जो बिजनेस कर रहे हैं, अपने साथ के लोगों के साथ मतभेद करने से बचिएगा, नहीं तो आप लोगों को मन मुताबिक लाभ नहीं मिलेंगे। कोई आपके अंदर आपके काम के जो आपकी प्राइवेट बातें हैं उनको लीक कर अपने आपके बिजनेस में आपको एक बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो साथ के लोगों के साथ मतभेद मत करिएगा, नहीं तो वो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसके अलावा आपको व्यापार में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनकी परेशानियों में परेशान होकर अपने काम को मत छोड़िएगा, अपने कार्य को करते रहिएगा। वो जानबूझ के परेशानी क्रिएट करेंगे, लेकिन परेशानियों से बेटर ये रहेगा आप सॉल्यूशंस पे फोकस करिएगा। बिजनेस को लेकर थोड़ी सी असुरक्षा की भावना आपके मन में आ सकती है, लेकिन घबराइएगा मत, बस अपने कार्य को करते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ, राहु देव की वजह से थोड़ा पेट से संबंधित जुड़ी समस्याएं आपको देखने को इस पीरियड में मिल सकती हैं। केतु देव आपके दसवें भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही धर्म कर्म से जुड़कर भी आप अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं। आपके चौथे भाव के स्वामी मंगल देव आपके सातवें भाव में विराजमान होंगे, और इसके परिणाम स्वरूप आपका पैसा अपनी जो लाइफ पार्टनर है, आप ऐसे समझिए, उनके ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करना पड़ सकता है। तो फालतू खर्च करने से आपको बचना है, और उपाय के तौर पर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी को जल चढ़ाना शुरू करिए रोज़ाना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही उत्तम साबित हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा उपाय है, आप इसको कर सकते हैं और कर जून का महीना अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझसे जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होती हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। जय माता दी।